friend, I have brought a very interesting topic for you all in this video. So let's start. In this video, I will give the answer of the question, why Pluto is removed from the list of planets? What is the reason behind this? So I will give the answer of this question in this video. So watch this video till the end. Next, this is Pluto planet. So before starting this video, we should know that Pluto planet, how does looks Pluto planet. So this is Pluto planet. Then next, the planets are, there are total 8 planets in the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. And before 2006, the planet was also Pluto. Then next, this is solar system. ये है solar system, आप देख सकते हैं sun है, sun के बाद mercury, mercury के बाद venus, venus के बाद earth, earth के बाद mars, then next jupiter, saturn, uranus, neptune, and then this is small planet, so this is called pluto. Then next, you can see also in this picture, this is the picture of solar system. So these are the orbits of every planet. Okay, so every planet revolves around its own orbit. देखिए कोई भी जो planet होता है किसी भी other planet के orbit में वो overlap नहीं करता, सभी अपनी अपनी orbit में ही revolve करते हैं. Then next, the planets fit very naturally into two categories, terrestrial planet and Jovian planet. Planet को दो part में divide किया गया है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और सेकंड होता है जोवियन प्लैनेट्स. तो हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं एंड जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं. सो द प्लैनेट्स व्हिच आर अर्थ लाइक आर कॉल्ड द प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. ऐसे प्लैनेट जो अर्थ के समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या फिर इन्हें हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं. ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये होते हैं रॉकी, जब इनका एग्जांपल है अर्थ, मार्स, वीनस एंड मर्क्यूरी. देन हम नेक्स्ट देखेंगे द प्लैनेट्स व्हिच आर अर्थ लाइक आर कॉल्ड द, हो गया ये. देन नेक्स्ट है द प्लैनेट्स व्हिच आर जुपिटर लाइक आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट. ऐसे प्लैनेट जो जुपिटर की तरह बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट. तो इनके एग्जांपल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो देखिए हमने देखे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड सेकंड में देखे जोवियन प्लैनेट. तो जो प्लूटो यहाँ जो प्लैनेट होता है वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता. हाउएवर प्लूटो इज नॉट थॉट फिट फॉर आदर ऑफ टू कैटेगरीज. इन दोनों ही कैटेगरी में प्लूटो प्लैनेट नहीं आता, क्योंकि प्लूटो प्लैनेट इज अ ड्रॉफ प्लैनेट. ड्रॉफ प्लैनेट मीन्स बौना ग्रह. ये बहुत ही छोटा प्लैनेट है जिसे हम ड्रॉफ प्लैनेट कहते हैं, बौना ग्रह. तो इसीलिए क्या हुआ, इसे बौने रहने की वजह से, और ये क्या कर रहा था, ये नेपच्यून के ऑर्बिट को ओवरलैप कर रहा था. देखिए, और किसी भी प्लैनेट की मतलब एक स्पेशलिटी होती है कि वो खुद के ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन प्लूटो जो प्लैनेट है वो नेपच्यून के प्लैनेट को ओवरलैप करता है. इसीलिए इसे 2006 के बाद से प्लैनेट नहीं कहा जाता. प्लूटो को देखिए, और आपके सामने क्वेश्चन है हिंदी में, प्लूटो को क्यों हटाया गया ग्रह की श्रेणी से. तो इसका आंसर मैं हिंदी में बताऊंगी. प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया. असल में प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती है, जबकि ग्रह होने की यह शर्त है कि वह अन्य ग्रह की कक्षा को ओवरलैप न करे. यही कारण है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाला गया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया. तो आई होप दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू.